बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आप सबके लिए एकदम आसान सी रेसिपी लेके आए हैं, एकदम यूनिक सी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब देर ना करते हुए, जिसके लिए हमने लिया है फ्रूट्स, और स्ट्रॉबेरी ली है, और केला लिया है, सेब लिया है, और रसबेरी ली है, और एक बाउल हमने दूध मलंगा भिगो दिया था। स्ट्रॉबेरी हमने लिया है, एक छोटा बॉक्स पूरा लिया है, इसके ऊपर का हमने हटा दिया वॉश करके अच्छे से, आप देख सकते हैं। एक बाउल हमने सीड्स लिए है यानी दूध मलंगा, और हाफ के जी हमने दूध लिया है, ये 250 ग्राम का है कप, और एक कप है ये, एक कप हम और लेंगे। एप्पल हमने लिया है, सेब लिया है, और यानी और बनाना रसभरी, साबुदाना सीड्स लिए हैं, और साबुदाना जो लिया है इसको हमने पकाया है, पकाने के बाद इसको हम छान लेंगे। और जो हमने साबुन ये रसभरी लिया है ना, इसको स्ट्रॉबेरी लिया है, इसको पीस लिया है दूध में डाल के, और इसमें हमने डाला है शुगर। शुगर अपने हिसाब से लिए, जितना मीठा पसंद करते हो, यानी चीनी। अब सारा हम दूध मलंगा जो है ना डाल देंगे इसमें, और रूह अफ़ज़ा डालेंगे, मीठा जितना आपको पसंद हो उतना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारा सेब और मतलब केला और रसभरी सब डाल देंगे, और ये इतना, इसमें कोई कस्टर्ड नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बहुत आसान तरीके से आपको बताया है, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का ये शेक बन के तैयार होता है, बहुत आसान से तरीके से हमने आपको बताया है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। जो मेरे फ्रेंड नए हैं मेरे इस वक्त मेरे चैनल पे, उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि फैमिली फ्रेंड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, तो और जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है, लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, देखें कितना बढ़िया लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।